सुन ना, हाँ मैं सोचता हूँ मैं तेरी जुल्फों में खो जाऊं, तो खो जाओ ना। पर पगली तेल कम लगाया करना, फिसल जाता हूँ मैं। आप कहाँ से हैं? पटना से। पटना कहाँ है? जहाँ पटाओगे वहाँ पट जाएंगे। अरे ये मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि किस जगह पटना है। जहाँ जिस जगह ले जाओ वहाँ पट लेंगे। भाई सोच, तेरे पास 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए? अब मैंने तुझे मैसेज किया 5,000 मुझे दे दे। अच्छा। अब साहिल ने तुझे मैसेज किया 5,000 उसे दे दे। अच्छा, तो तेरे पास क्या बचा? भाई मेरे पास 10,000 रुपए और 2 अनरीड मैसेजेस। यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाई? तुम खुले में हग रहे हो, तुम्हें 5 साल की सजा होगी। एक मिनट। क्या? कानून के रखवा लो, सबूत तो उठा लो। वेटर जी, सर आज नाश्ते में क्या है? सर टोस्ट पर शहद लगा दूं, खाओगे? नो वे, शहद मधुमक्खी के मुंह से निकलता है और मैं किसी के मुंह से निकली हुई चीज नहीं खाता। अच्छा तो फिर अंडा बना दूं? मेरे दोस्त के पास पैसे नहीं है। माय फ्रेंड इज भूखा नंगा। इंग्लिश की माँ बहन करने के लिए मुझे फॉलो करें। तेरी मेरी दोस्ती पे लाखों सलाम, तेरी मेरी दोस्ती पे लाखों कुर्बान। हमारे देश के नेता कितने अच्छे होते हैं ना, वो हमेशा गरीब के लिए लड़ते हैं और लड़ते लड़ते अमीर हो जाते हैं। कोई सुन भौंक। बोलने की तमीज नहीं है? हाँ तो सुन, कौन सा तमीज वाली बात है? ओके सॉरी, सुनिए जी। भौंकिए। ये सारे झोलमझाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मैं सुन। एक्सक्यूज मी, राजस्थान एक्सप्रेस विल डिपार्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हुआ क्या? मैं पूछ रहा है कि राजस्थान एक्सप्रेस इसी प्लेटफॉर्म से जाएगा। मैडोना जैसे मुंह वाले, जब इतनी अच्छी हिंदी आती है तो फालतू में गुमराह कर रहे थे। जैद बेटा। जी पापा, क्या हुआ? अबे व्हाट्सएप पे तू 1 मिनट पहले ऑनलाइन था। जी पापा, क्या हुआ? उड़ जा। चलो भैया, हमको छूना लेना नहीं, हाथ तुम्हें अड्डेंगे टूट ही जाएगा। क्या हुआ भैया, मारकूट की नौबत आ गई का? हम नहीं जाएंगे बस। का है भैया, भांग वांग पी के आए हो का? व्हाट्सएप फेसबुक हो गया पुराना, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट भी पुराना, आए हाय टिकटॉक का जमाना। ना तेरे रिप्लाई की खुशी, ना तेरे इग्नोर का गम, ना तेरे रिप्लाई की खुशी, ना तेरे इग्नोर का गम। अपना एटीट्यूड अपने पास ही रख, अपना एटीट्यूड अपने पास ही रख, इस दुनिया में अकेले ही खुश है हम। मैं बिना तुझे हाथ लगाए थप्पड़ मार सकता हूँ? हो ही नहीं सकता। लगी शर्त? हाँ चलो लगी। 10-10 की लगी। तो लग गया, तुम हार गए। ये रख ले 10 रुपया। ओ शिट, इंटरनेट खत्म। भाई हॉटस्पॉट देना। बस हॉटस्पॉट। हाँ। बस अबे तेरे भाई का नेट है ना इतना तेज है ना, इतना तेज है ना, पूरी दुनिया को चीर के अंगार मूत के एकदम आके मक्खन चलेगा। ले पकड़ जरा, मैं बिस्लेरी की बॉटल लेके आता हूँ। जल्दी। अरे भाई हॉटस्पॉट कनेक्ट है लेकिन नेट नहीं चल रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, मेरे को उसका पासवर्ड मालूम है, मैं जरा चेक करता हूँ। देख तो जरा। अबे इसका तो नेट ऑफ है। मेरा भी नेट खत्म हो गया। तू नेट दे देना। भाई देख, ऐसी बात है कि मैं सिम ही यूज नहीं करता। पता नहीं लोग कैसे 5-6 घंटे चैट कर लेते हैं, मैं तो 2 मिनट में ही आई लव यू बोल के ब्लॉक हो लेता हूँ। धीरे धीरे अपना बना रहा है कोई। वाह 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 वाह। प्यार के सुहाने सपने दिखा रहा है कोई। वाह 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 वाह। ए खुदा ये मोहब्बत है, ए खुदा ये मोहब्बत है, या फिर से चूना लगा रहा है। आग लगी जब घर में तो उसने पूछा बचा क्या है, हमने कहा कि हम, तो उसने कहा फिर जला क्या है।
मुझे पता है तू मुझे मारना चाहती है। नहीं यार बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो कल जब तुम उससे मिलने आई थी तो बिना मेकअप के क्यों आई थी? अपने ही होते हैं जो बातों से मार देते हैं, वरना गैरों को क्या खबर कि हमारा दिल किस बात पर दुखता है। क्या हुआ भाई, बहुत टेंशन में दिख रहा है। यार मेरे घर वालों ने मेरी शादी अग्नि से तय कर दी। अबे तो क्या हुआ यार, देखो तो पता है मैं साक्षी से प्यार करता हूँ। अबे तो पागल, अग्नि को साक्षी मान के शादी कर लेना। भाई जिस लड़की से हम दोनों प्यार करते थे ना, आज वो मुझसे प्यार करती, इसलिए तू अब हमें अकेला छोड़ दे। जिस दोस्त के लिए उसे छोड़ा था, साला उसी दोस्त ने आज मुझे छोड़ दिया। तेरा महबूब किससे हो रहा। अगर चल एक सॉन्ग गाते, तू मेरा साथ देना। ठीक है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, बिना मेकअप के चुड़ैल लगती है लड़कियाँ। एक जापानी भारत में आ गया और उसने एक समोसा खाया, उसे समोसा इतना पसंद आया उसने दो समोसे पैक करवा लिए और जापान ले गए अपने बॉस के पास। वहाँ जाते ही उसने समोसे अपने बॉस को दिखाए और बोला, बॉस ये देखो भारत का समोसा, लेकिन ये बताओ इसके अंदर आलू कैसे घुसा। उसका बॉस परेशान हो गया, उसने उसके थप्पड़ मारा, बोला साले 20 साल पहले मैं भारत गया था, वहाँ जाके जलेबी खाई, आज तक यही समझ में आया कि इसके भीतर चीनी कैसे चलेगी। तू मेरे सुचरे एक और समस्या लेके आ गया है।